ये है राजस्थान की खबरें फटाफट। अब आप एक ही जगह पर प्रदेश के 8 शहरों की खबरें जयपुर, जोधपुर, अजमेर, सीकर, अलवर, बीकानेर, उदयपुर और कोटा में कब क्या हुआ, इसकी सबसे पहले जानकारी यहां मिलेंगी। 8 जिलों की राजनीति से लेकर हर दिन होने वाले बर्थडे इवेंट, कार्यक्रम और हादसों की खबरें दिन भर अपडेट होती रहेंगी। आइए शुरुआत करते हैं जयपुर से एक हॉस्पिटल अधीक्षकों की, जल्द जारी हो सकती है लिस्ट। जयपुर के SMS मेडिकल कॉलेज से अटैच हॉस्पिटलों में अधीक्षक पद पर हुए इंटरव्यू का परिणाम जल्द आने की उम्मीद है। गणगौरी, सैटेलाइट, SMS और JK लोन हॉस्पिटल में अधीक्षक पद के लिए 11 डॉक्टरों ने इंटरव्यू दिया है। का अलर्ट, राजस्थान अभी बारिश का दौर थमने वाला नहीं है। कल 11 सितंबर से प्रदेश के 6 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। शादी के 1 महीने बाद पति हुआ था, लापता साल 2011 की बात है। अलवर में रहने वाली शकुंतला की दिल्ली के रहने वाले रवि कुमार के साथ शादी हुई थी। शादी के 1 महीने बाद अचानक रवि लापता हो गया। 4 UAE से जयपुर सोने की तस्करी करने वाला मास्टरमाइंड गिरफ्तार। खाड़ी देशों से भारत में सोने की अवैध तस्करी करने वाले कुख्यात तस्कर मुनियाद अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। इंटरपोल की मदद से राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA उसे UAE भारत ले आई है। मुनियाद ने ही खाड़ी देशों से भारत तक गोल्ड तस्करी का अवैध नेटवर्क तैयार किया है। जमीन विवाद को लेकर युवक ने किया आत्मदाह का प्रयास। चौमू में जमीन विवाद को लेकर परेशान एक युवक ने सरपंच और अन्य लोगों पर जमीन पर कब्जा करवाने का आरोप लगाते हुए आत्मदाह का प्रयास किया। इस दौरान आग की चपेट में आने से युवक 50% तक झुलस गया। अजमेर की खबरें। राजस्थान में फिर से ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश। राजस्थान में 17 दिन में तीसरी बार ट्रेन को बेपटरी करने की साजिश हुई है। इस बार अजमेर में लामाना और खरवा रेलवे स्टेशन के बीच 2 स्थानों पर बदमाशों ने सीमेंट के 70 किलो वजनी ब्लॉक रख दिए। लिए जरूरी खबर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं-12वीं मेन एग्जाम 2025 के लिए डबल फीस से ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरने की आज लास्ट डेट है। परीक्षा के लिए अब तक 19 लाख से ज्यादा आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। 3PG फर्स्ट ईयर में एडमिशन की लास्ट डेट कल सिटी रोड स्थित RK पाटनी सरकारी कॉलेज में PG फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 11 सितंबर है। शिक्षा निदेशालय की ओर से घोषित प्रवेश प्रक्रिया के तहत स्टूडेंट्स इन दिनों ऑनलाइन आवेदन कर रहे हैं। CI ने बजरी भरे ट्रैक्टर पकड़े। DSP छुड़ाने थाने पहुंचे। अवैध बजरी से भरे 2 ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ने पर CI और DSP आपस में उलझ गए। CI द्वारा ट्रैक्टर पकड़ने की कार्रवाई के बाद DSP उनको छुड़वाने थाने पहुंचे, लेकिन CI ने ट्रैक्टर छोड़ने से साफ मना कर दिया और उच्च अधिकारियों को कार्रवाई की जानकारी दी। अलवर की खबरें। 1 शराब के नशे में रोडवेज बस को दौड़ ढाया। रोडवेज बस ड्राइवर की लापरवाही से सवारियों और लोगों की जान पर बनाई। अलवर से दिल्ली जाते हुए ड्राइवर ने शराब के नशे में बस को चलाया। 2 स्टेट बेंच प्रेस प्रतियोगिता में अलवर का रहा दबदबा। 29वीं स्टेट जूनियर, सब जूनियर, सीनियर बेंच प्रेस प्रतियोगिता का आयोजन अलवर के तिजारा रोड स्थित ऑर्चिड गार्डन में हुआ। चैंपियनशिप के सीनियर वर्ग में अलवर के खिलाड़ियों का दबदबा रहा। उदयपुर की खबरें। एक महिला को मारने वाले लेपर्ड का नहीं चला पता। उदयपुर के झाड़ोल में नेशनल हाईवे 58E के पास कीरट वनखंड में महिला को मारने वाले लेपर्ड का मंगलवार तीसरे दिन तक पता नहीं लग पाया है। वन विभाग की रेस्क्यू टीम जंगल के आसपास लगातार निगरानी बनाए हुए है। 2 डॉट कार और स्कूल बस की आमने सामने की टक्कर। उदयपुर के पहाड़ा थाना क्षेत्र में असारीवाड़ा रोड पर मंगलवार को एक स्कूल बस और कार की आमने सामने की टक्कर हो गई। कार का बोनट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। 3 राज्य मंत्री बैरहम बोले, फील्ड में पुलिस सरकार का चेहरा। राज्य के गृह एवं गोपालन राज्य मंत्री जवाहर सिंह बैरहम ने कहा, फील्ड में पुलिस सरकार का चेहरा है। पुलिस की कार्यप्रणाली को देखकर आमजन सरकार की छवि की परिकल्पना करते हैं। कोटा की खबरें। एक स्टूडेंट से बोले CI, एग्जाम से घबराना मत। कोटा में स्टूडेंट्स को हर तरफ से मोटिवेट करने की कोशिश की जा रही है। अब कुन्हाधी CI अरविंद भारद्वाज स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते नजर आए।
नीट यूजी एमबीबीएस एवं बीडीएस ऑनलाइन काउंसलिंग, ऑल इंडिया कोटे की एमबीबीएस एवं बीडीएस और बीएसएससी नर्सिंग की सेकंड राउंड की ऑनलाइन काउंसलिंग की चॉइस सबमिशन और चॉइस लॉकिंग की तारीख को एक दिन के लिए आगे बढ़ा दिया है। खंडेला धाम पर भगवान गणेश जी का मेला संपन्न खंडेला में पलसाना रोड पर स्थित गणेश मंदिर खंडेला धाम में मेले का समापन हुआ। गणेश मंदिर में कस्बे सहित अन्य स्थानों से श्रद्धालुओं ने आकर गणेश जी महाराज के दर्शन कर मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना